आपको कैथल लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भावी विधायक बहन कमलेश डांडा जी हमारे बीच में इसी इलाके के पुराने नेता, पूर्व में कई जिम्मेवारियां सरकार में भी संभाली, ऐसे हमारे श्री रामपाल माजरा जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुज्जर जी, ऐसे ही पूर्व में विधायक रहे श्री सज्जन सिंह ढुल जी, पार्टी के नेता श्री सुरेंद्र राव जी, शकुंतला वजीर खेड़ा जिला के उपाध्यक्ष अजीत चहल, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष, पार्टी के सभी हमारे मंडल अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण, अन्य बहुत सारे नेता, लंबी सूची है, जिनका नाम लिया वो सब जी, जिनका नाम नहीं लिया वो भी सब जी, लंबी सूची है, कोई नाराज ना हो जाए, आजकल ध्यान रखना पड़ता। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, जैसा अपने को पता है हरियाणा विधानसभा के चुनाव का डंका बजा है, चुनाव अभियान, चुनाव प्रचार जोरों पर है। जैसा आज हमारी ये सभा हो रही है, निश्चित रूप से बाकी पार्टियों के लोग भी आपके पास आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे। हमको सबको क्या करना है, जैसा पता है कि 2014 में पहली बार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की सरकार बनी थी और हमने 5 साल हरियाणा की जनता, बल्कि मैं हरियाणा की जनता नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये 2.5 करोड़ लोगों का मेरा परिवार, इनकी हमने सेवा की है, पीछे मुड़ के नहीं देखा, दिन रात एक करते हुए। चैलेंज बहुत थे, उन चैलेंजेस को स्वीकार करके हम आगे बढ़े। हरियाणा बनने के बाद 48 साल तक बाकी सब पार्टियों ने भी काम किया, हमने भी देखा, मंच पर बहुत से लोग बैठे हैं, सीधे सीधे उस राजकाज से जुड़े भी रहे, अनुभव बहुत है सबके। आज तो मेरा इतना ही कहना है कि हमारा ये 5 साल का राजकाज और पिछले 48 साल का राजकाज, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल का रहा हो, अन्य किसी पार्टी का रहा हो, बहुमत का रहा हो, गठबंधन का रहा हो या समर्थन का रहा हो, तुलना सब लोग कर रहे हैं। मैं तो इतना ही जानता हूं, जैसा कह रहे हैं कि राजनीति के मायने बदले हैं, और उस बदलने के पीछे हमको जो प्रेरणा मिलती है वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलती है। मुझे याद है, मीडिया के मित्रों को तो और अच्छी तरह पता होगा, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र भाई मोदी, उनको एक मीडिया के व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मोदी जी, आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। अब अनुमान अपने अपने हिसाब से सबने लगाया होगा, कोई कहेगा कि बेरोजगारी चैलेंज है, कोई कहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, कोई कहेगा बिजली पानी सड़क ये चैलेंज है, कोई कहेगा इंडस्ट्री लगाना चैलेंज है, कोई भी बात कही जा सकती है, लेकिन उन्होंने क्या चैलेंज बताया मालूम है? उन्होंने कहा कि मेरे सामने बड़ा चैलेंज यह है कि जो मेरे बिरादरी के लोग हैं, बिरादरी का मतलब उनके अपने जाति या बिरादरी या कोई खानदान से मतलब नहीं था, बिरादरी का मतलब उनका था
ये जो राजनीतिक नेताओं की बिरादरी है, इनकी छवि को सुधारना ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि राजनीतिक नेताओं की छवि पिछले बहुत वर्षों तक बहुत अच्छी नहीं रही। अच्छे लोगों को अगर कहा जाता था कि आप राजनीति में चले जाओ, वो हाथ जोड़ देते थे, नहीं हमारा काम नहीं है। राजनीति के कहा जाता कि राजनीतिक नेता है तो मन में विचार कोई अच्छा नहीं आता था, कुछ भी सोचते थे। नेता का मतलब ये 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 ये, आज मैं बोलूंगा तो शायद कुछ लोगों के मन को चुभ सकता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बीते 5 साल में चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उनके रीति नीतियों को कायम रखते हुए केंद्र में प्रदेश में बहुत से सरकारें जो चल रही हैं, बहुत से हमारे नेता हैं उस लाइन पर चले, उस दिशा में चले, और आज उस राजनीति का मायने हमने बदला कि जो राजनीति लोग जिसको सत्ता को भोगने के लिए आते थे कि सत्ता को कैसे भोगा जाए, कैसे अपना घर भरा जाए, कैसे अपने बेटे बेटी पोते पोती दोते दोती नाते नातन भाई भतीजे साले जीजे सबका घर भरना, उनका घर भरना ही उद्देश्य होता था। वो कहावत है ना कि वो बांटे रेवड़ियां फिर अपने को दे कौन, मैं अपने अपने मुंह से कभी कभी कहता नहीं हूं ऐसी बातें, लेकिन ये था, हमने इसको बदला। जब शुरू शुरू में सरकार आई तो जब नौकरियां लगने की बात आई, बहुत से नेता बड़े फख्र से कहते थे मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 लोग लगवा लिए, मैंने 150 लगवा लिए, मैंने 200 लगवा लिए। इसका मतलब लगवाने में तुम्हारी चलती थी, जिसको चाहो लगवा लो, जिसको नहीं चाहो मत लगवाओ। हमने कहा गलत है, जो योग्य है वो लगेगा, चाहे कोई हो किसी का भी हो। और भाई मेरे तेरे की अगर बात करनी है, आज तो मेरे कई बने हुए हैं पहले से, उनमें से लगवाओ। मैं कहता हूं अगर इसी भावना को भी देखना है तो भाई थोड़ा सा रंग बदल लो, थोड़ा लाइन बदल लो कि जो लग जाए उनको मान लेना ये मेरे हैं, वो हमारे अपने हैं। क्योंकि सारा प्रदेश हमारा है, सारा समाज हमारा है। ये सरकार केवल हमारी जिन्होंने बनाई है उनकी नहीं है, बीजेपी के लोगों ने बनाई, कार्यकर्ता नेता वोटर बीजेपी के लोगों का योगदान है उसमें सरकार बनाने में, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो क्या जिन्होंने बनाई उन्हीं की होती है, सबकी होती है? अच्छी सरकार कौन सी होती है? जो सबकी होती है। ये है हमारे में और उनमें अंतर। तो हमने इस बात को लेकर के चले, हमने कहा नहीं, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, जो किसी चीज का अधिकारी है उसको मिलना चाहिए, जो पात्र है उसको मिलना चाहिए, जो योग्य है उसको मिलना चाहिए, ताकि एक होड़ लगे कि हम भी योग्य बने, एक होड़ लगनी चाहिए। आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे नौजवान वो पढ़ाई करने लग गए हैं, और पढ़ाई में वे अच्छी योग्यता कैसे हासिल करें, पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग सेंटर, हमारे बेचारे कोचिंग सेंटर वाले भी खाली बैठे रहते थे, आज उनके यहां भीड़ लग गई है, सुबह शाम कितनी भीड़ रहती है। और हमारे शहरों में जो लाइब्रेरी थी, गांव में तो लाइब्रेरी कम होती है, शहरों में कस्बों में कहीं कहीं लाइब्रेरी भी है, स्कूलों कॉलेजों में भी है, वहां जो लड़के होते थे ना वो 2-4-5 जाके बैठ जाते तो दूसरे लड़के उनको बाहर देख देख के चिढ़ाते थे, अरे पड़ाकू बड़ा पड़ाकू अंदर बैठा, 2-4 बैठे रहते थे, उनको शौक होता था, शाम को 5 बजे ताला बंद, लाइब्रेरी बंद, जाओ भाई। आज उन लाइब्रेरी में भी बैठने की जगह नहीं होती, पब्लिक लाइब्रेरी में हर घंटे की बुकिंग होती है कि मुझे मेरा टाइम लिख लो कितने बजे मुझे आना है। हिसार का मुझे जिलाधीश उन्होंने बताया कि हमारी लाइब्रेरी में रात को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक भी बुकिंग होती है कि मुझे 1 घंटे का समय दे लो।
तो मुख्यमंत्री कैथल में जनसभा कर रहे थे और कह रहे थे कि कुछ लोगों ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, लेकिन पूरा राज्य उनका परिवार है, उन्होंने पूरे राज्य की सेवा की है।